हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी एक करी, तो आइए देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी चना जो मैंने रात भर भिगो के रखा था। कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अलमोन और काजू बादाम, इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी दे दूँगी। अब इसको पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं तेल डालूँगी। कैप्सिकम मैंने काट के रखी थी, तो इसको मैं अब फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा ब्राउन होने तक ही। अब मैं फ्राई करूंगी अंडा, पहले बॉईल करके रखा था मैंने। अंडा फ्राई करते वक्त मैं नमक और हल्दी डाल दूंगी। अंडा फ्राई हो चुके, तो अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब इसमें मैं दालचीनी, इलायची और लौंग डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा भून लूंगी। अब इसमें मैं पेस्ट डालूंगी। ये जो तेल है इसको ये सोख लेती है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी ताकि ना जले। ग्राइंडर में जो थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसमें मैंने पानी डाला और इसको डाल दिया। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहना है, लेकिन गर्म पानी ही डालना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो बिगड़ सकता है। अब इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये चना की पेस्ट है तो ये जल्दी से पानी सोख लेता है। थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब फिर से मैं पानी डालूंगी। मेरे पास बाजार वाला टमाटर नहीं था, तो मैंने घर का जो देसी टमाटर है वही डाल दिया। अब इसको 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको ढक के रखूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इसमें अच्छे से उबाल आ चुके हैं, तो अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। सफ़ेद मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला,
ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है। अब इसमें मैं धनिया डाल दूंगी। अब इसमें अंडा डाल दूंगी। कैप्सिकम मैंने जो फ्राई करके रखी थी वो अब मैं डाल दूंगी। पाँच मिनट के लिए ढक के रखूंगी। फिर से मैं धनिया डालूंगी। अब एक करी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको गर्मा गर्म भटूरा या तो रोटी के साथ खा सकते हो। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।